हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको म्यूटेशन बताने वाली हूँ। ठीक है, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, म्यूटेशन इज उत्परिवर्तन। म्यूटेशन में क्या होता है, ऑल हेरिटेबल चेंजेस विच एंटर द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल को, कोई भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप, उसके फिजिकल जो अपीयरेंस है, उसके बाय आकारिकी में, ठीक है, आनुवंशिकी जो चेंजेस आ जाता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूगो डी बरिस ने सबसे पहले इस टर्म को डिस्क्राइब किया। ठीक है, फिनोटाइप चेंजेस विच वेयर हेरिटेबल, ऐसा आकारिकी में चेंजेस जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता, आनुवंशिकी होता है, हमें दिखता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें है, उन्होंने बताया कि ह्यूगो डी बरिस ने इसको डिस्क्राइब किया, फिनोटाइप चेंजेस विच वेयर हेरिटेबल। ठीक है, चेंजेस विच एंटर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन एट द मॉलिकुलर लेवल, दीज आर कॉल्ड जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन में चेंजेस ला दिया। ठीक है, जीन के मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ गए, उसको ही जीन म्यूटेशन कहा गया। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन किसको बोले, जो कि इन्होंने फिनोटाइप जो होता है, जो बाय आकारिकी में जो चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और कैसा होता है, आनुवंशिकी होता है परिवर्तन, विच एंटर द केमिकल स्ट्रक्चर, जो रासायनिक संरचना होती है जीन की, उसमें वह चेंजेस कर देता है। कैसे, मॉलिक्यूलर आणविक जो स्तर होता है, ठीक है, आणविक स्तर पर उसकी संरचना में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, उसके कारण जो अगली पीढ़ी में भी जो लक्षण जाएगा, उसमें आपको चेंजेस दिखाई देगा, क्योंकि जीन ही होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर में ही, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसमें चेंजेस आ जाता है, तो हमें नया फिनोटाइप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अब हम टाइप देखेंगे। ठीक है, जीन म्यूटेशन में टू टाइप्स होते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में इट अकर्स ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए। ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये वाला म्यूटेशन आपको, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन वाला म्यूटेशन कहाँ पे पाया जाता है, इट अकर्स ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए, जहाँ डीएनए का रिप्लेसमेंट होता है, उस दौरान यह बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन वहाँ पे होता है या पाया जाता है। ठीक है, द सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यह म्यूटेशन क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन इन बीच वन और मोर देन वन बेस, ठीक है, आर आइदर डिलेटेड और अटैच, ठीक है, आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में यह वह उत्परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो बेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, या तो जुड़ते हैं, नहीं तो उनमें एक कम हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो उनके उनको उनके फ्रेम में जो चेंजेस आता है, उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम, ठीक है, शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। फिर है, इसमें हम देखेंगे डिलीशन क्या होता है, इफ वन और मोर बेस आर एलिमिनेटेड आउट, ठीक है, इट इज कॉल्ड डिलीशन। क्या होता है डिलीशन, मतलब इसमें एक जो एक या, ठीक है, वन और मोर बेस, एक या एक से ज़्यादा बेस जो होते हैं, वह एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उसे डिलीशन कहा जाता है। इंसर्शन जो होता है, एडिशन ऑफ वन और मोर बेस, एक या एक से ज़्यादा जो बेस हैं वह जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा म्यूटेशन होगा, इंसर्शन म्यूटेशन वहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्वतः
उत्परिवर्तन, ठीक है, स्वतः उत्परिवर्तन में हम देखेंगे इफ म्यूटेशन अकर इन नेचुरल कंडीशन दीज आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है। ऐसा इसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, नेचर में अपने आप यह पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा म्यूटेशन जो प्राकृतिक स्थिति में है ना, प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक स्थिति में ही होता है, ठीक है, उसे स्वतः म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। सच म्यूटेशन अकर ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टॉटोमेराइजेशन क्या है, इफ ए मॉलिक्यूल इज एबल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन केमिकल फॉर्म दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक मॉलिक्यूल जो होता है वह योग्य होता है एक या एक से ज्यादा, ठीक है, फॉर्म में रहने के लिए, तो वो फिनोमिना क्या कहलाती है, टॉटोमेराइजेशन कहलाती है। फिर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, वह इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लीथल इफेक्ट, प्लियोट्रोपिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, यह सबका सिकल सेल एनीमिया भी, ठीक है, ये जो होता है यह इनका एक एग्जांपल है, ठीक है, किसका, आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है उसका, लीथल इफेक्ट जो घातक इफेक्ट होता है, और प्लियोट्रोपिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं इनका यह एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया।